हाई एवरी वन आई एम अश्विनी नो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर लाइन इंट्रोडक्शन नी डिट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले सम पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम इसे आने वाले एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम सोल्व करने में इजिली हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं सो फ्रेंड्स वॉच दिस वीडियो केयरफुली सो फर्स्ट टॉपिक एंगल्स जो आज हम एंगल्स के बारे में देखेंगे एंगल्स में मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल्स ऑप्टस एंगल्स राइट एंगल्स स्ट्रेट एंगल्स एंड रिप्लेक्स एंगल्स तो एक्यूट एंगल बिलो 90 डिग्री जो एंगल बिलो 90 पे होता है 90 से जो कम डिग्री होती है उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं और एप्टस एंगल अबव 90 डिग्री 90 डिग्री की जो ऊपर एंगल्स होते हैं उनको हम ऑप्टस एंगल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 100 हंड्रेड पायू दिस इज द ऑप्टस एंगल एंड दिस वन इज द 60 डिग्री दिस इज द एक्यूट एंगल सो so, नेक्स्ट है राइट right एंगल्स इक्वल टू नाइन्टी डिग्री राइट एंगल में जो एंगल इक्वल टू नाइन्टी नाइन्टी डिग्री एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री होती है उनको हम राइट एंगल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री एंगल्स दिस इज अ राइट एंगल सो नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल्स स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री जो स्ट्रेट लाइन होती है दिस इज द स्ट्रेट लाइन दिस इज़ अंगल वन एटी डिग्री ये है स्ट्रेट एंगल्स और रिफ्लैक्स एंगल होती है अबो वन एटी डिग्री जो हम इस तरह एंगल जो बनाते हैं सो इस तरह हमने ये एंगल बना दिया हम इसको शो किया ये है वन एटी ये हो गया टू फोटी डिग्री एंगल जो है ये रिप्लेक्स एंगल है हम इधर अंदर वाला नहीं ले रहे हैं जो ये है टोटल ये घूम के जो आ रहा ये रिप्लेक्स एंगल है ये 240 तो डिग्री हम इसको रिप्लेक्स एंगल कहते हैं सो so, फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम इनके अलावा और भी एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे रिलेटेड एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज नाइंटी डिग्री द एंगल और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल की सम नाइंटी डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थर्टी डिग्री एंड दिस वन इज सिक्सटी डिग्री सो थर्टी प्लस सिक्सटी मिला के हमें कितना मिलता है नाइंटी डिग्री सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस इसी तरह हम दूसरे एंगल भी देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था दिस इज द नाइन्टी डिग्री एंड दिस इज द दिक्सटी डिग्री नाइन्टी प्लस सिक्सटी मिला के वन फिफ्टी होती है और ये अबो नाइन्टी डिग्री है एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री इक्वल नाइन्टी डिग्री नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पता करते हैं जो दो एंगल किसम दो से ज्यादा एंगल नहीं दो एंगल की सम 90 डिग्री होना चाहिए उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और इसी के साथ एक और एंगल आता है सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में होता है सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180। हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री में देखे थे 90 डिग्री को एंगल इक्वल था दो एंगल की सम सप्लीमेंट्री में क्या होती है दो एंगल की सम 180 को इक्वल होना चाहिए उन एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ वन थर्टी डिग्री की एंगल दिए हैं और इधर वन फिफ्टी की दिए हैं सो so, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है ये कि नहीं कैसे चेक करेंगे वन थर्टी में फिफ्टी ऐड करें तो आंसर आ गया वन एटी दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल उसी तरह हम सेकेंड प्रॉब्लम एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो इधर भी नाइन्टी है इधर भी नाइन्टी है नाइन्टी प्लस नाइन्टी इक्वल टू वन एटी ये भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल है इसी जैसा हमें प्रॉब्लम में क्या देते हैं एक एंगल देते हैं मान लीजिए इधर फिफ्टी एंगल फिफ्टी डिग्री के एंगल दिए हैं तो हमें बता बोलेंगे पाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल तो हमें क्या करना है वन एटी में फिफ्टी काटेंगे तो कितना बचेगा वन थर्टी वन थर्टी डिग्री एंगल सॉरी फिफ्टी डिग्री एंगल की सप्लीमेंट्री एंगल होगी इस तरह हमें प्रॉब्लम्स आएंगे इसी के साथ और एक एंगल आती है एडजिस्टेंट एंगल्स एडजिसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स सो एडजेसेंट एंगल में कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन आर्म होती है देखिए फॉर एग्जांपल इधर ये कॉमन है दोनों के बीच में ये एक एंगल वन है ये एंगल टू है इन दोनों की कॉमन क्या है ये वो और बी ये जो लाइंस हैं ये कॉमन है आर्म भी कॉमन है वर्टेक्स भी कॉमन है बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स जो इधर है ये, no ये अलग ही है और इधर जो एंगल है वो अलग ही है एंगल अलग हो सकते हैं एंगल अलग होते हैं और कॉमन आर्म और वर्टेक्स कॉमन होते हैं उन एंगल को हम एडजेंट एंगल कहते हैं तो ये एंगल वन इंक्रीज होते जाएगा तो एंगल टू डिक्रीज होगी एंगल टू इंक्रीज होगी तो एंगल वन डिक्रीज होगी इस तरह एक दूसरे के कंपेयर हो के ये एंगल्स रहते हैं सो so, इसी तरह नेक्स्ट एंगल नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर पेयर इज अ पेर ऑफ एडजेंट एंगल हुज़ नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज लीनियर पेयर में क्या होते हैं ये भी एंगल ही हैं ये जो स्ट्रेट एंगल में बनते हैं दो एंगल कोई भी एंगल स्ट्रेट एंगल में दो एंगल बन जाए उनको हम लीनियर पैर कहते हैं ये है स्ट्रेट एंगल टोटली वन एटी डिग्री इसमें हम एक और एंगल बना दिया ये कॉमन है एंगल वन और एंगल टू को वो भी कॉमन है बट एडजेसेंट एंगल में कोई भी एंगल था एंगल पे कोई लिमिटेड नहीं था हाँ इतना का ही एंगल होना चाहिए वो 60 डिग्री का भी एंगल हो 180 का भी हो 90 डिग्री का भी हो लेकिन इसमें क्या होती है लीनियर पेर में एग्जैक्ट एंगल होती है 180 डिग्री की उसमें हम पेयर करते हैं इसको हम लीनियर पेर कहते हैं so, सो इस, इसी तरह हम देखिए इसको हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे ये एंगल है ये 180 डिग्री एंगल तो है ही नहीं इसमें हमने ये टू एंगल वन और एंगल टू कर दिया है ये एडजेसेंट है फिर भी ये लीनियर पेयर नहीं है ये एडजेसेंट एंगल होती है सो so, इस तरह ये एंगल्स में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं यही एक्सरसाइज में भी कंटिन्यू होते हैं सो so, फ्रेंड्स इस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो एक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू